हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राजधानी गांधीनगर को दिया वर्ल्ड क्लास महात्मा मंदिर, जो बनता आया है स्वदेशी और विदेशी दिग्गजों का मेजबान। और ऐसे वर्ल्ड क्लास महात्मा मंदिर के लिए उन्होंने सपना देखा था कि यहां मेहमानों का स्वागत हो बेहतर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी से। तो आज ये दोनों सपने सच होने जा रहे हैं। महात्मा मंदिर के निकट स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन की हो चुकी है कायापलट और इस कैपिटल सिटी को मिलने जा रहा है पहला रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पर बना यह स्टेशन है सुविधाओं और सुंदरता का मॉडर्न संगम। यहां प्लेटफॉर्म्स को जोड़ते हैं अंडरपास, हैंगिंग लाइट्स, वर्टिकल और मनमोहक गार्डन बढ़ाते हैं ब्यूटी और यूटिलिटी। शिशु आहार कक्ष, प्राथमिक उपचार रूम, स्पेशल प्रार्थना कक्ष, मल्टीपर्पस हॉल, सबवे, एस्केलेटर्स और आधुनिक पार्किंग बढ़ाएंगे यात्री सुविधाएं। इस स्टेशन के ऊपर ही स्थित है 318 रूम से सज्जित होटल भी, मतलब कि होटल, स्टेशन, दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर और स्वर्णिम पार्क, इन सभी का नजारा मिलेगा एक कतार में। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात की रेल कनेक्टिविटी को और सुलभ बनाने के लिए भारतीय रेल ने किया है 264 किलोमीटर लंबे सुरेंद्र नगर पीपावाव खंड का विद्युतीकरण भी। इस रूट के द्वारा पीपावाव बंदरगाह के भारी फ्रेट लोडिंग वाली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का उत्तर भारत की ओर निर्बाध परिचालन संभव हो सका है। इसके साथ ही 55 किलोमीटर के महिसाणा बरेठा रेल खंड का विद्युतीकरण सहित ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन किया गया है। परियोजना के अंतर्गत महिसाणा जिले का वडनगर रेलवे स्टेशन इस खंड का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां आकर्षक स्टेशन भवन के साथ सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं विकास के ये सभी कार्य राष्ट्र को समर्पित। रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल स्टेशन और 318 कमरे वाला होटल, सुरेंद्र नगर पीपावाव के बीच रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वडनगर स्टेशन के साथ महिसाणा वरेठा के बीच इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉडगेज लाइन, फ्लैग ऑफ गांधीनगर से वरेठा के बीच मेमू सेवा, गांधीनगर वाराणसी के बीच नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन, गांधीनगर को लगेंगे 4 चांद, गुजरात को मिलेगा विकास अपार।